हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए पूरे जुलाई महीने का करंट अफेयर। दोस्तों, करंट अफेयर 2021 से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो में हम टॉप 251 लाइनर क्वेश्चन को कवर करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की डिटेल भी बताऊंगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन उत्तर प्रदेश में पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो इसकी घोषणा की है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन तेल और स्वच्छ ऊर्जा दोनों रूप की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगी। यह देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इकाई होगी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? राइट आंसर है रूस। रूस ने 20 जुलाई 2021 को दक्षिण प्रशिक्षण रेंज कपुस्टिन यार से अपनी नई S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसने योजना के अनुसार उच्च गति वाले बैलिस्टिक लक्ष्य को मारा है। दोस्तों, याद रखिएगा, S-500 दुनिया का सबसे उन्नत एंटी मिसाइल सिस्टम है और इसकी रेंज 600 किलोमीटर होने की उम्मीद है। यह मिसाइल प्रणाली अंतरिक्ष से होने वाले हमलों का मुकाबला करने में भी सक्षम है। किसने पहला ऑक्सीजन रासायनिक उपकरण AMLEX विकसित किया है? सही आंसर है IIT रोपड़। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ यानी कि IIT रोपड़ ने ऑक्सीजन को बचाने के लिए AMLEX नामक अपनी तरह का पहला ऑक्सीजन रासायनिक उपकरण विकसित किया, जो अनावश्यक रूप से बर्बाद हो जाता है, यानी कि जो ऑक्सीजन अनावश्यक रूप से बर्बाद हो जाता है और बदले में मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर के जीवन को 3 गुना बढ़ा देता है। सांस के दौरान उपकरण रोगी को आवश्यक मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगा और जब रोगी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा तो वह ट्रिप होगा। सरकार ने कहा भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करेगी? सही आंसर है नोएडा में। दोस्तों, सरकार ने नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह समृद्ध भारतीय विरासत और इसके संरक्षण के क्षेत्र में उच्च शिक्षा और अनुसंधान को प्रभावित करेगा। किसने न्यू सेव्ड रॉकेट जहाज अंतरिक्ष पर लॉन्च किया? राइट आंसर है जेफ बेजोस। अरबपति जेफ बेजोस ने अपने रॉकेट जहाज न्यू सेव्ड की पहली चालक दल की उड़ान में अंतरिक्ष की एक छोटी यात्रा की है। उनके साथ उनके भाई मार्क बेजोस और अंतरिक्ष अग्रणी दौड़ के 82 वर्षीय बेली फंक और एक 18 वर्षीय छात्र उनके साथ शामिल थे। उन्होंने अंतरिक्ष में उड़ने वाली सबसे बड़ी खिड़कियों के साथ एक कैप्सूल में यात्रा की, जो पृथ्वी के आश्चर्यजनक दृश्य पेश करती है। किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया है? सही आंसर है चीन। दोस्तों, चीन ने एक मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया जो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने में सक्षम है। अधिकतम गति ट्रेन को चीन द्वारा स्वयं विकसित और तटीय शहर चिंगदाऊ में निर्मित करेगी, जो विश्व स्तर पर सबसे तेज जमीनी वाहन है। किसने आरोग्य रक्षक बीमा योजना लॉन्च की है? राइट आंसर है LIC ने। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC ने आरोग्य रक्षक एक गैर भाग लेने वाला नियमित प्रीमियम व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा योजना पेश की है। योजना कुछ निर्दिष्ट स्वास्थ्य जोखिमों के खिलाफ निश्चित लाभ स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है। किसने विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 को संबोधित किया? राइट आंसर है भारत के उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू ने।
साथ ही साथ केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। पेरू के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे घोषित किया गया है, तो इनका नाम है पेड्रो कैस्टिलो। क्या नाम है दोस्तों? पेड्रो कैस्टिलो। याद रखिएगा, पेरू की राजधानी है लीमा और यहाँ की मुद्रा है पेरू सोल। किसने हेती के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है? राइट आंसर है एरियल हेनरी। दोस्तों, एरियल हेनरी ने हेती देश के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है। हेती की राजधानी है पोर्ट ओ प्रिंस। क्या है? पोर्ट ओ प्रिंस। और यहाँ की मुद्रा है हेती ग्रूड। कौन कैडेट वर्ल्ड चैंपियन 2021 की विजेता बने हैं? तो राइट आंसर है अमन गुलिया और सागर जगलान। युवा पहलवान अमन गुलिया और सागर जगलान अपनी अपनी श्रेणियों में नए विश्व चैंपियन के रूप में उभरे हैं। कैडेट विश्व चैंपियनशिप 2021 के दूसरे दिन भारत ने हंगरी के बुडापेस्ट में एक प्रभावशाली प्रदर्शन किया। गुलिया 48 किलोग्राम फाइनल में अमेरिकी ल्यूक जोसेफ को हराकर विजेता बने, जबकि जगलान 80 किलोग्राम वर्ग में जेम्स मॉकलर राउली को हराकर विजेता बने। किसे नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? सही आंसर है अरमाने गिरिधर। दोस्तों, यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। किस जिले को राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार मिला है? सही आंसर है कछार। दोस्तों, कछार उपायुक्त कीर्ति जल्ली को कुछ दिन पहले पुष्टि निर्भर यानी कि पोषण पर निर्भर के लिए राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार मिला है, जो दीनानाथपुर बगीचा गांव में घरों में न्यूट्री गार्डन स्थापित करने के लिए परिवर्तन और विकास पर एक परियोजना है। यह गांव कछार जिले के कटीगोरा सर्कल में भारत बांग्लादेश सीमा के पास है। इसके अंतर्गत 140 लाभार्थियों के बीच सब्जियों, फलों और हर्बल के लिए 30,000 पौधे भी वितरित किए गए। किस फिल्म निर्माता ने अपनी आत्मकथा द स्ट्रेंजर इन द मिरर की घोषणा की है? तो इनका नाम है राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने। विश्व मस्तिष्क दिवस 2021 का थीम क्या है? तो विश्व मस्तिष्क दिवस 2021 का थीम है स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। याद रखिएगा, विश्व मस्तिष्क दिवस हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की सह संस्थापिका का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? सही आंसर है गिरा सारा भाई। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट नाम है ये। सारा भाई उद्योगपति अम्बाला लाल सारा भाई की बेटी और डॉक्टर विक्रम सारा भाई की बहन थीं। उन्होंने कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल की भी स्थापना की। मध्य प्रदेश की किस पैरा शूटर ने पेरू इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो इनका नाम है रुवीना फ्रांसिस। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की रुवीना फ्रांसिस ने पेरू इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों, इन्होंने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल में इस स्वर्ण पदक को जीता है। किसने याल मंचिली शिवाजी द्वारा लिखित पल्लेकु पट्टाविकसम नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है? सही आंसर है हमारे उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू ने। पुस्तक बैंक विथ ए सोल इक्विटास के लेखक कौन हैं? तो इनका नाम है डॉक्टर सी के गैरियाली। दोस्तों, याद रखिएगा, RBI के पूर्व गवर्नर दुब्बुरी सुब्बा राव ने डॉक्टर सी के गैरियाली की पुस्तक को विमोचित किया। किसे AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 सीजन का नाम दिया गया है यानी कि इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है दोस्तों संदेश झिंगन। भारत के सीनियर डिफेंडर संदेश झिंगन को AIFF पुरस्कार
पुरुष पुरस्कार से नवाजा गया है। याद रखिएगा दोस्तों, AIFF इसका फुल फॉर्म है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। कलाईमा मणि सिक्किल श्री आर भास्करन का निधन हो गया, वे कौन थे? सही आंसर है बायलन वादक। प्रसिद्ध कर्नाटक शास्त्रीय बायलन वादक कलाई मणि सिक्किल श्री आर भास्करन का निधन हो गया है। किस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने खुद को नीवा भूपास के रूप में रीब्रांड किया है? तो इसका नाम है दोस्तों मैक्स भूपा। अगला क्वेश्चन है, किसे 2021 से 2025 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? सही आंसर रहेगा रश्मि रंजन दास को। किन शहरों को यूनेस्को द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना के तहत चुना गया है? तो इनके नाम है ओरछा और ग्वालियर। भारतीय शहर वाराणसी और अजमेर सहित दक्षिण एशिया के 6 शहर पहले से ही इस परियोजना में शामिल थे और अब ग्वालियर और ओरछा को दक्षिण एशिया के 7वें और 8वें शहर के रूप में शामिल किया गया है। महिला 49 किलोग्राम वर्ग में 2020 टोक्यो खेलों में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो दोस्तों इनका नाम है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने रजत यानी कि रजत पदक जीता है और महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में 2020 टोक्यो खेलों में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। चानू महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में 202 किलोग्राम भार उठाने में सफल रही और कर्णम मलेश्वरी के बाद ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय भारोत्तोलक बनी हैं। किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के रूप में नामित किया गया? तो इनका नाम है नगंगोम बाला देवी। दोस्तों बाला देवी फिलहाल में स्कॉटलैंड में रेंजर्स विमेंस FC के लिए खेलती हैं और वह यूरोप में एक विदेशी क्लब के साथ एक पेशेवर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर भी बनी थी। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेगा, किसे भारत की 39वीं यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में अंकित किया गया है? तो इसका नाम है रुद्रेश्वर मंदिर। तेलंगाना में वारंगल के पास मुलुगु जिले के पालमपेट काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर भी कहते हैं दोस्तों, इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र के दौरान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। इस नवीनतम प्रेरण के साथ भारत में 39वें विश्व धरोहर स्थल स्थित हैं। याद रखिएगा, रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य के शासनकाल के दौरान किया गया था। पुस्तक एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है अशोक लवासा। याद रखिएगा, पूर्व चुनाव आयुक्त हैं अशोक लवासा और इनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है जिसका नाम है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। किसे 2019 के लिए इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर में डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार के लिए चुना गया है? सही आंसर है प्रमोद भगत। वर्ल्ड नंबर 1 पैरा सटलर प्रमोद भगत को 2019 के लिए इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर में डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया। दोस्तों घोषणा में ये देरी COVID-19 महामारी के कारण हुई है। किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सही आंसर है नासिर कमल। दोस्तों वे उत्तर प्रदेश कैडर के 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं यानी कि IPS अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है MA यूसुफ अली को। ये लुलु समूह के अध्यक्ष हैं। याद रखिएगा, MA यूसुफ अली को अबू धाबी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय पहलवान प्रिया मलिक ने बुडापेस्ट हंगरी में 2021 विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है स्वर्ण पदक। याद रखिएगा, इनका नाम, ये भारतीय महिला पहलवान है और इनका नाम है प्रिया मलिक। इन्होंने हंगरी में 2021 के चल रहे विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक को जीता है।
नासा ने बृहस्पति चंद्रमा यूरोपा के मिशन के लिए किसका चयन किया है? राइट आंसर है स्पेसएक्स। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति चंद्रमा यूरोपा की विस्तृत जानकारी करने के लिए पृथ्वी के पहले मिशन के लिए लॉन्च सेवाएं प्रदान करने के लिए कैलिफोर्निया स्थित स्पेसएक्स कंपनी का चयन किया है। गुजरात के किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है? राइट आंसर है धोलावीरा। भारतीय नौसेना के किस जहाज ने अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2021 में भाग लिया है? आंसर है INS तलवार। भारतीय नौसेना के जहाज तलवार ने अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2021 में भाग लिया, जिसका संचालन 26 जुलाई 2021 से 6 अगस्त 2021 तक अफ्रीका के पूर्वी तटों पर किया जा रहा है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बांस औद्योगिक पार्क का शिलान्यास किया है? राइट आंसर है असम। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने डीमा हासाओ के मंदिर डीसा गांव में एक बांस औद्योगिक पार्क का शिलान्यास किया है। परियोजना को डोनर मंत्रालय से 50 करोड़ रुपए भी लागू किए जाएंगे। किसने ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया? राइट आंसर है हमारे वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाहजी ने मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा के साथ मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के सोहरा में बहु प्रक्षेपित ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, किसने ओलंपिक खेलों में पहली बार स्केटबोर्डिंग प्रतियोगिता जीती है? तो इनका नाम है यूटो होरीगोमे। दोस्तों जापान के यूटो होरीगोमे ने टोक्यो में एरिएक अर्बन स्पोर्ट्स में पुरुषों की स्ट्रीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक खेलों में पहली बार स्केटबोर्डिंग प्रतियोगिता जीती है। अनुवांशिकी रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यवसाय उत्पादन के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? राइट आंसर है फिलीपींस। दोस्तों यह चावल बच्चों के कुपोषण को कम करने में मदद करने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर चावल की एक किस्म है। किसे लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो इनका नाम है नजीब मिकाती। याद रखिएगा लेबनान की राजधानी है बैरूत और यहाँ की मुद्रा है लेबनानी पाउंड। कौन डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो इनका नाम है दोस्तों अंशुला राव। याद रखिएगा मध्य प्रदेश की ऑलराउंडर अंशुला राव डोप टेस्ट में फेल होने के बाद 4 साल का प्रतिबंध प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। किसे इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है शंभुनाथ श्रीवास्तव। याद रखिएगा शंभुनाथ श्रीवास्तव को इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। ICC पुरुष T20 विश्व कप को कहां स्थानांतरित किए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इसकी घोषणा की गई है UAE में। याद रखिएगा भारत में होने वाला ICC पुरुष T20 विश्व कप अब UAE में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है दोस्तों शेफाली वर्मा। याद रखिएगा शेफाली वर्मा ये भारतीय क्रिकेट की सलामी बल्लेबाज हैं और क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। किस देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है? राइट आंसर है इसका चीन। चीन सरकार ने ऊर्जा उत्पादन शुरू करने के लिए आधिकारिक तौर पर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध जिसका नाम है बे हेतन बांध की पहली दो इकाइयों को चालू कर दिया है। बे हेतन बांध दक्षिण पश्चिमी चीन में जिनसा नदी पर स्थापित है। बांध एक 289 मीटर लंबा डबल वक्रता वाला आकर बांध है जिसमें 16 उत्पादन इकाइयां हैं। किसने एशिया के सबसे लंबे और दुनिया के 5वें सबसे बड़े हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया? तो सही आंसर है प्रकाश जावड़ेकर जी ने। इंदौर में NATRAX हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया है जो एशिया का सबसे लंबा ट्रैक है।
1000 एकड़ भूमि के क्षेत्र में विकसित दो पहिया वाहनों से लेकर भारी ट्रैक्टर ट्रेलरों तक की व्यापक श्रेणी के वाहनों के लिए सभी प्रकार की उच्च गति प्रदर्शन परीक्षणों के लिए वन स्टॉप समाधान होगा ये ट्रैक। अगला क्वेश्चन है, किसने जापानी शैली के जेन गार्डन और काइजन अकादमी का शुभारंभ किया? सही आंसर है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अहमदाबाद में अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन परिसर में जेन गार्डन और काइजन अकादमी का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। नया जेन गार्डन जापानी कला, संस्कृति, परिदृश्य और वास्तुकला के कई तत्वों को प्रदर्शित करेगा। ISSF शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो सही आंसर है दोस्तों राही सरनोबत। भारत की राही सरनोबत ने ISSF शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों फिलीपींस। याद रखिएगा फिलीपींस के अलावा हेती, माल्टा, दक्षिण सूडान को भी ग्रे लिस्ट में जोड़ा गया है। किसने एनोम लीज इन लॉ एंड जस्टिस पुस्तक का विमोचन किया? सही आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमणा ने। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश RV रविंद्रन की पुस्तक है ये एनोम लीज इन लॉ एंड जस्टिस और इसका विमोचन किया भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमणा ने। दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो दोस्तों अभिमन्यु मिश्रा, इनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा। भारतीय मूल के अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। 12 साल 4 महीने और 25 दिन की उम्र में ये सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर है ए 10वां स्थान। और दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है। किसे नीति आयोग के CEO के रूप में एक साल का विस्तार मिला है, यानी कि इनके पद को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इनका नाम है अमिताभ कांत। दोस्तों नीति आयोग का गठन किया गया 2015 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसने टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में वृत्त चित्रखंड यानी कि सर्वश्रेष्ठ जीवनी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों इस फिल्म का नाम है डीकोडिंग शंकर। क्या नाम है? डीकोडिंग शंकर। हाल ही में राज कौशल का निधन हुआ वे कौन थे? आंसर है फिल्म निर्माता। दोस्तों शादी का लड्डू और प्यार में कभी कभी जैसी फिल्मों का इन्होंने निर्देशन किया था। उन्होंने अभिनेत्री और टीवी प्रेजेंटर मंदिरा बेदी से शादी की थी। किन्होंने? राज कौशल ने। किसने महिला उद्यमिता के लिए एक व्यापक कार्यक्रम हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ को लॉन्च किया? सही आंसर है उपराज्यपाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने महिला उद्यमियों को उत्प्रेरित करने के लिए व्यापक कार्यक्रम हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ को लॉन्च किया गया। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है 20वें स्थान पर दोस्तों। और पिछले साल की तरह इस साल भी अमेरिका, UK, इसराइल, कनाडा और जर्मनी शीर्ष 5 स्थानों पर हैं और अपनी बढ़त जारी रखे हुए हैं। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है? तो दोस्तों इनका नाम है अदिति अशोक। याद रखिएगा अदिति अशोक टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बनी। देश के सबसे बड़े कर सुधार वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST प्रणाली ने 1 जुलाई 2021 को अपने कितने वर्ष पूरे किए हैं? राइट आंसर इसका 4 साल यानी कि 4 वर्ष। किसे UAE का प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा या 10 वर्ष के लिए दीर्घकालीन निवास वीजा मिला है? राइट आंसर है मोना विश्वरूपा मोहंती। उड़ीसा के मयूरभंज जिले की एक कलाकार हैं मोना विश्वरूप मोहंती और इन्हें UAE का प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा या 10 वर्ष का दीर्घकालिक वीजा मिला है।
भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल किसके द्वारा विकसित किया गया है? आंसर है ग्रेने रोबोटिक्स। भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है। कंपनी के अनुसार ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल हवाई खतरों के खिलाफ 1000 से 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र की रक्षा करने में सक्षम है। इतिहास में पहली बार जंगलों में ब्लैक बेलिड कोरल सांपों की खोज की गई है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। याद रखिएगा, शोधकर्ताओं ने इतिहास में पहली बार उत्तराखंड के जंगलों में ब्लैक बेलिड कोरल सांपों की खोज की है। सांप एलापीडे परिवार और सीनोमिरूरस जीन्स से संबंधित है। फिर से सुनिए, सांप एलापीडे परिवार और सीनोमिरूरस जीन्स से संबंधित है। यह मसूरी वन प्रभाग में बेनोंग वन्यजीव अभयारण्य के भद्रराज ब्लॉक में पाया गया था। किसने कुबेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 को जीता है? आंसर है राजेंद्र किशोर पांडा। दिव्यांगत कवि पुरस्कार कुवेम्पु की स्मृति में स्थापित राष्ट्रीय पुरस्कार कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए प्रसिद्ध उड़िया कवि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को प्रदान किया गया है। किस कंपनी ने 300 किलोमीटर रेंज वाली सी ब्रेकर एआई मिसाइल का अनावरण किया? राइट आंसर है राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम। रक्षा इसराइल की रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, जिसने पांचवी पीढ़ी की लंबी दूरी की सटीक निर्देशित मिसाइल प्रणाली सी ब्रेकर का अनावरण किया है, जो 300 किलोमीटर की सीमा तक समुद्री और भूमि के लक्ष्यों को सटीक रूप से लक्षित कर सकती है। बात है इसराइल की, तो याद रखिएगा इसराइल के प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट। इसराइल की राजधानी है दोस्तों यरूशलम, और यहाँ की मुद्रा है इसराइली सेकेल। किस राज्य ने नए दिशा निर्देशों के साथ 2ISR बीमा योजना शुरू की है? राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने नए दिशा निर्देशों के साथ 2ISR बीमा योजना शुरू की है, जहां सरकार स्वयं मृतक के परिवार को बीमा दावों को आसान बनाने के लिए सीधे बीमा राशि का भुगतान करेगी। किस बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत की है? राइट आंसर है इसका HDFC बैंक। HDFC बैंक ने देश भर के डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस पहल की शुरुआत की है। किस बैंक ने डॉक्टरों के लिए बैंकिंग सॉल्यूशन सैल्यूट डॉक्टर्स लॉन्च किया? राइट आंसर है ICICI बैंक। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है? सही आंसर है इसका चीन को। किसे 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? तो सही आंसर है कोरियन एयर को 2021 के एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। किस देश के शोधकर्ताओं ने विश्व की सबसे नन्ही तकनीक का निर्माण किया है? राइट आंसर है इसराइल। इसराइल के शोधकर्ताओं ने केवल 2 परमाणुओं की मोटाई वाली विश्व की सबसे नन्ही तकनीक का निर्माण किया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, 2021 के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का थीम क्या है? तो इसका थीम है कोऑपरेटिव्स फॉर बिल्डिंग अ पीपल स्टैंडर्ड एंड एनवायरमेंटली जस्ट रिकवरी। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हर वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है, और इस वर्ष इसे 3 जुलाई को मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाना। एक नई जंपिंग स्पाइडर प्रजाति को किसका नाम दिया गया है? एक नई जंपिंग स्पाइडर यानी कि मकड़ी की प्रजाति को किसका नाम दिया गया है? आंसर है सही तुक्काराम ओम्बले। याद रखिएगा, ठाणे कल्याण क्षेत्र में कूदने वाली मकड़ी की 2 नई प्रजाति खोजी गई। वैज्ञानिकों ने एक समूह में से एक का नाम बहादुर पुलिस कांस्टेबल तुकाराम ओम्बले के नाम पर रखा है, जिन्होंने 26/11 के आतंकी हमले में अपनी जान गंवा दी थी। इस प्रजाति को ICS तुकारामी नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? ICS तुकारामी।
भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की किस इकाई में पर्यावरण परीक्षण सुविधा की स्थापना की आधारशिला रखी गई है? तो ये रखी गई है दोस्तों विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सही आंसर है पुष्कर सिंह थामी। दोस्तों ये उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने ये 45 वर्षीय हैं और साथ ही ऊधम सिंह नगर जिले के खटीमा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। इन्होंने तीरथ सिंह रावत की जगह ली है जिन्होंने इस्तीफा दिया था। सातवीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का समापन किस देश में हुआ है? राइट आंसर है इसका फ्रांस में। किसे अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा मिशिगन के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के लिए एक संघीय न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया? तो राइट आंसर है शालिनी डी कुमार को। रेलवे पहली बार किस रेलवे स्टेशन पर एक्वाटिक किंगडम की स्थापना की है? आंसर है बेंगलोर रेलवे स्टेशन पर। दोस्तों है क्या ये? तो देखिए बेंगलोर रेलवे स्टेशन पर पहली बार एक्वाटिक किंगडम की स्थापना की गई है। यह अमेजन रिजर्व कॉन्सेप्ट पर आधारित है। मछलियों की दुर्लभ प्रजातियों से लेकर विदेशी समुद्री पौधों वाले इस एक्वेरियम को देखने के लिए केवल 25 रुपए का प्रवेश शुल्क लगेगा। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होने वाले भारतीय नौसेना के एथलीट कौन बने हैं? इनका नाम है एम पी जावेर। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होने वाले भारतीय नौसेना के एथलीट बने हैं। किंडल ने अपने भारत संचालन के लिए किसे अध्यक्ष नियुक्त किया है? आंसर है लिंगराजू सावकर। किंड्रिल एक स्वतंत्र सार्वजनिक कंपनी है जिसे आईबीएम कॉर्प के मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज बिजनेस के अलग होने के बाद बनाया गया है। विमानन कंपनी बोइंग ने किसे अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नामित किया है? तो इनका नाम है ब्रायन बेस्ट। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बनी है? सही आंसर है माना पटेल। या रखिएगा माना पटेल टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक बनी है। अशोक लीलैंड ने अपनी शाखा स्विच मोबिलिटी के कार्यकारी उपाध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इनका नाम है एंडी पामर। किस राज्य में 9 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। किसने अपने एलिस कंप्यूटर एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन वर्जन का अनावरण किया है? आंसर है एविएशन एयरक्राफ्ट लिमिटेड। इलेक्ट्रिक प्लेन स्टार्टअप एविएशन एयरक्राफ्ट लिमिटेड ने अपने एलिस कंप्यूटर एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन वर्जन का अनावरण किया है। एलिस 9 यात्रियों को 650 मील तक ले जा सकती है। डिजाइन वर्तमान में उपलब्ध बैटरी सेल का उपयोग करता है और भविष्य की प्रगति पर निर्भर नहीं है। कौन सा राज्य हेल्थ एटीएम्स की स्थापना करने की योजना बना रहा है? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, जिसके माध्यम से उन्नत स्वास्थ्य एटीएम्स मशीनों के माध्यम से लोग अपने बॉडी मास इंडेक्स, रक्तचाप, शरीर में बसा जलयोजन, नाड़ी दर आदि मापने में सक्षम होंगे। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता का निर्णय लिया है? आंसर है वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन। दोस्तों इसे भारत में किक बॉक्सिंग खेल प्रचार और विकास के लिए मान्यता दी गई है। हाल ही में एम प्रसन्ना का जुलाई 2021 में निधन हो गया, वे कौन थे? राइट आंसर है पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर। इंस्टाग्राम पर सर्वाधिक कमाई करने वाले भारतीय कौन बने हैं? सही आंसर है विराट कोहली। इस सूची में एकमात्र अन्य भारतीय प्रियंका चोपड़ा जोन्स, जिन्हें चार्ट में यानी कि सूची में 27वां स्थान मिला है। किसने डॉक्टरों उनके परिवारों के लिए एक पहल जिसका नाम है संकल्प को शुरू किया है? तो ये शुरू की गई है सन फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि को किस दिन मनाया गया है? राइट आंसर है 4 जुलाई 2021 को। याद रखिएगा दोस्तों उन्हें भारत में सबसे बेहतरीन आध्यात्मिक नेताओं और बुद्धिजीवों में से एक माना जाता है। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में अपने भाषण के लिए इन्हें जाना जाता है।
नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो सही आंसर है सतीश अग्निहोत्री। सतीश अग्निहोत्री नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक बने हैं, प्रबंध निदेशक। किसने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है? सही आंसर है दोस्तों रेडबुल के ड्राइवर मैक्स वेरस्टैपेन ने। किसने सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी 2021 का पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर है इन्वेस्ट इंडिया। कौन सभी प्रारूप में महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर है मिताली राज, भारत की कप्तान मिताली राज। इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चालोरटे एडवर्ड्स को पछाड़कर सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। एडवर्ड्स ने 10,273 रनों बनाए थे दोस्तों, एडवर्ड्स ने 10,273 रन बनाए थे, जिसे मिताली राज ने पीछे कर दिया है और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दुनिया की सबसे शानदार बल्लेबाज बनी हैं। लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों इस पुस्तक की लेखिका है कविता राव। त्रिपुरा में नया लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो नाम है इनका कल्याण नारायण भट्टाचार्य। कल्याण नारायण भट्टाचार्य को त्रिपुरा में नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। किसने पुरुषों की 400 मीटर बाधा का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा? तो नाम है इनका कास्टन बार होल्म्स। नॉर्वे के 25 वर्षीय एथलीट कास्टन बार होल्म्स ने बिस्लेट खेलों के दौरान 400 मीटर बाधा दौड़ में लंबे समय तक चल रहे विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। यह रिकॉर्ड पहले 29 साल तक अमेरिकी हर्डलर केविन यंग के नाम था। उन्होंने 46.78 सेकंड का मार्क लगाया। ये 1992 के बार्सिलोना स्पेन में ओलंपिक में स्थापित किया गया था। आरबीआई ने पंजाब एंड सिंध बैंक पर कितने का रुपए का जुर्माना लगाया है? आंसर है 25 लाख। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव के दौरान कितने करोड़ पौधे लगाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया? राइट आंसर है 25 करोड़। कितने दोस्तों? 25 करोड़ पौधे लगाकर एक नया कीर्तिमान बनाया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। किसे न्यूयॉर्क के कार्नेगी कॉरपोरेशन जो कि एक एनजीओ के द्वारा सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ को। वर्ल्ड जूनोसेस डे 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम रहा दोस्तों लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ जूनोटिक ट्रांसमिशन। इस दिवस को हर वर्ष 6 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। सामान्य जूनोटिक रोगों में स्वाइन फ्लू, वर्ल्ड वायरस, रेबीज आदि शामिल हैं। ये एक संक्रामक बीमारी है जो पशुओं से इंसानों की ओर फैलती है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? तो इसकी घोषणा की गई दोस्तों गोवा में। 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2021 में आयोजित किए जाने की घोषणा की है। कौन खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका सुधांशु मित्तल। किस हवाई अड्डे ने ऑपरेशन प्रवाह कार्यक्रम शुरू किया है? आंसर है कोचीन हवाई अड्डे ने। यह एक बहुआयामी आधारभूत संरचना कार्यक्रम है जो CIAL द्वारा जिला प्रशासन और विभिन्न स्थानीय सरकारों के साथ पहले से शुरू की गई बाढ़ समन परियोजना को एकीकृत करने के लक्षित है। किस देश ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? राइट आंसर है इसका मिस्र ने। मिस्र देश ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। किसने कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? सही आंसर है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। किस मंत्रालय ने निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की है? राइट आंसर है दोस्तों शिक्षा मंत्रालय ने। निपुण कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में प्रत्येक बच्चे को 2026-27 तक ग्रेड थर्ड के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक प्राप्त हो, ये इसका लक्ष्य रखा गया है। किसने द फोर्थ लायन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी नामक पुस्तक को लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों बेड़ू माधव गोविंदू
और श्रीनाथ राघवन ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में कितने विकेट पूरे करके एक उपलब्धि हासिल की है? तो राइट आंसर है इसका 1000। याद रखिएगा, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में इन्होंने अपने 1000 विकेट पूरे कर लिए हैं। हाल ही में दिलीप कुमार का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर है दोस्तों अभिनेता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मशहूर बॉलीवुड अभिनेता मोहम्मद यूसुफ खान, जिन्हें आप दिलीप कुमार के नाम से जानते हैं, इनका निधन हुआ है 98 वर्ष की आयु में। याद रखिएगा, इन्हें बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग के नाम से भी जाना जाता था। उन्हें आखिरी बार 1998 की फिल्म किला में देखा गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखिएगा, 1954 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता थे और यह पुरस्कार कुल 8 बार इन्होंने जीता। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनाया जाएगा? सही आंसर है जयपुर। बीसीसीआई ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को 100 करोड़ रुपए का वित्तीय अनुदान जारी किया है, जिसका उपयोग भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने में किया जाएगा। देश में पहली बार फास्टैग अथवा यूपीआई आधारित कैशलेस पार्किंग सुविधा कहां शुरू की गई है? तो इसे दोस्तों शुरू किया गया है दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर है नितिन गडकरी। दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने खादी प्राकृतिक पेंट ब्रांड नाम के तहत गाय के गोबर से बने भारत के पहले और एकमात्र पेंट का वर्चुअली उद्घाटन किया, और इसके अलावा उन्होंने इस पेंट को प्रोत्साहित करने के लिए खुद को इसका ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। किसे उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है सुखवीर सिंह संधू को। दोस्तों, ये IAS हैं और 1988 के उत्तराखंड कैडर से संबंधित हैं। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले दूसरे भारतीय पुरुष गोल्फर कौन बने हैं? राइट आंसर है उदयन माने। आनी वार्न लाहड़ी के बाद उदयन माने टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले दूसरे पुरुष गोल्फर बन गए हैं। किसे वेज के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है नेहा पारेख। भारतीय अमेरिकी नेहा पारेख को वेज के CEO के रूप में नियुक्त किया गया, जो एक भीड़ भाड़ वाला GPS नेविगेशन ऐप है और टेक दिग्गज गूगल की ये सहायक कंपनी है। हाल ही में रिचर्ड डोनर का निधन हुआ, वे कौन थे? आंसर है निर्देशक। मूल फिल्म सुपरमैन फिल्म लेथल वेपन श्रृंखला के लिए इन्हें जाना जाता था। कश्मीर घाटी से मिस्री किस्म की चेरी का पहला वाणिज्यिक शिपमेंट कहां निर्यात किया गया है? सही आंसर है दुबई देश को। किस देश ने अपना नया फैग्यून 3E मौसम संबंधी उपग्रह लॉन्च किया? राइट आंसर है चीन। याद रखिएगा, फैग्यून 3E FY3EV कहते हैं, और ये मौसम से संबंधित एक उपग्रह है और इसे लॉन्च किया है चीन देश ने। बुक ऑपरेशन खुकरी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियन आर्मीज ब्रेवेस्ट पीस कीपिंग मिशन के लेखक कौन हैं? आंसर है मेजर जनरल राजपाल पूनिया। किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है कौशिक बसु को। विश्व बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री हैं कौशिक बसु। किस देश के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की घर में घुसकर हत्या कर दी गई? सही आंसर है दोस्तों इसका हेती। याद रखिएगा, हेती की राजधानी है पोर्ट ओ प्रिंस और यहाँ की मुद्रा है हेतियन गुर्दे। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है? राइट आंसर है विद्या बालन। किसे हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? आंसर है भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजरुद्दीन को। जुलाई 2021 में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? आंसर है वीरभद्र सिंह। क्या नाम है दोस्तों? वीरभद्र सिंह।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हो गया। अनुभवी राजनेता हिमाचल प्रदेश के चौथे और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री थे। ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है एन वेणुधर रेड्डी। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं दोस्तों एन वेणुधर रेड्डी। जुलाई 2021 में केशव दत्त का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर है हॉकी खिलाड़ी। हॉकी में दो बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता केशव दत्त का निधन हो गया। 1948 के ओलंपिक की भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि में ये हिस्सा थे। बजाज आलियांस जनरल ने बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? राइट आंसर है बैंक ऑफ इंडिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया? राइट आंसर है 5 लाख। दोस्तों जुर्माना क्यों लगाया गया? तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री द्वारा जुर्माने में भुगतान की गई राशि का उपयोग कोविड-19 से प्रभावित वकीलों के परिवारों में किया जाएगा, ऐसा कहा गया था। और याद रखिएगा, उन पर न्यायपालिका को खराब तरीके से चित्रित करने के लिए ये जुर्माना लगाया गया है। HDFC लिमिटेड ने हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है? तो राइट आंसर है 2.46%। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल कहां बनाया गया है? सही आंसर है इसका डेनमार्क देश में। त्रिकोणीय आकार का रेत महल डेनमार्क के ब्लोखस शहर में बनाया गया है। कहां? ब्लोखस। इसकी ऊंचाई 21.16 मीटर। यह नई संरचना 2019 में जर्मनी में 17.66 मीटर मापने वाले सैंड कास्टल द्वारा रखे गए पिछले रिकॉर्ड की तुलना में 3.5 मीटर लंबा है। अमेज़न ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र कहां लॉन्च किया है? आंसर है गुजरात के सूरत में। किसने बुलेटिन नामक प्रकाशन और सदस्यता टूल का एक सेट की घोषणा की है? राइट आंसर है इसका फेसबुक। फेसबुक ने बुलेटिन नामक प्रकाशन और सदस्यता टूल का एक सेट की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य अमेरिका में स्वतंत्र लेखकों को बढ़ावा देना है। बुक द लाइट ऑफ एशिया के लेखक कौन है? सही आंसर है जय राम रमेश। किस राज्य में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। राइट आंसर है केरल। 24 वर्षीय गर्भवती महिला में मच्छर से फैलने वाली बीमारी का पता चला। तिरुवनंतपुरम से वायरस के 13 अन्य संदिग्ध मामले भी सामने आए हैं। महिला में लक्षणों में क्या देखा गया? बुखार के लक्षण शामिल थे। किसने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? राइट आंसर है मंगू भाई छगन भाई पटेल ने। किस देश को पहली बार GI प्रमाणित मदुरे जास्मिन और अन्य फूलों को तमिलनाडु से निर्यात किया गया है? राइट आंसर है अमेरिका और UAE को। लाइव वेल्स केंद्र नामक एक नया विमानन नवीनीकरण केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर इसका मुंबई में। कहां पर? मुंबई में। नई सुविधाओं की सेवा में केविन की मरम्मत और पेंटिंग भी शामिल है। किसने रक्षा प्रौद्योगिकी में MTech कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? सही आंसर है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और DRDO ने, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। किसने प्रूफ, जिसका फुल फॉर्म है फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी मोबाइल ऐप के माध्यम से जियो टैग्ड तस्वीरों को अपलोड करने की मंजूरी दे दी है? सही आंसर है इसका जम्मू कश्मीर प्रशासन ने। किस कंपनी ने पहली बार हिमालयी याक का बीमा करने का फैसला किया है? तो इसका नाम है दोस्तों नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने। कठोर जलवायु परिस्थिति में रहने वाले याक किसान जानवरों की मौत के कारण नियमित नुकसान उठाते हैं, इस कारण से पहली बार हिमालयी याक का बीमा करने का फैसला लिया है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने। स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में किसे फिर से चुना गया है? आंसर है स्टीफन लोफवेन। क्या नाम है इनका? स्टीफन लोफवेन। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के संयुक्त महासचिव के रूप में आगामी टोक्यो ओलंपिक के
लिए पहले भारतीय ज्यूरर के रूप में किसे चुना गया? आंसर है इनका, यानी कि नाम है इनका पवन सिंह। 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग वी प्रतियोगिता किसने जीती है? तो दोस्तों याद रखिएगा इनका नाम जेला एवंटा गार्डेन, जेला एवंट गार्डे, लुइजियाना के न्यू और लियंस की रहने वाली अफ्रीकी अमेरिकी जेला एवंट गार्डे ने 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग वी प्रतियोगिता जीती। कौन सा राज्य भारत के रेलवे मानचित्र में शामिल हुआ है? रेलवे के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, राइट आंसर है मणिपुर। असम के सिलचर रेलवे स्टेशन से एक यात्री ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस परीक्षण के लिए मणिपुर के बेगाई चुनपाऊ रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई, जिसने राज्य को भारतीय रेलवे के मानचित्र में शामिल किया है। ट्रेन ने दो पूर्वोत्तर स्टेशन के बीच 11 किलोमीटर की दूरी तय की है, जिसमें रेलवे अधिकारी सवार थे। किसने अपनी नई किताब जिसका नाम है प्रेगनेंसी बाइबल की घोषणा की है? राइट आंसर है दोस्तों इसका करीना कपूर खान, अभिनेत्री करीना कपूर खान। उन्होंने इसे अपना तीसरा बच्चा भी कहा है, यानी कि इस बुक को उन्होंने इसको नाम दिया है तीसरा बच्चा। किसे फेडरल बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त करने की मंजूरी मिली है? तो सही आंसर है श्याम श्रीनिवासन इनका नाम है दोस्तों, जिसे फेडरल बैंक ने एमडी एंड सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त करने की मंजूरी दी। कर्नाटक राज्य सरकार ने कितने कैंप गोडा विरासत स्थलों को विकसित करने का निर्णय लिया है? राइट आंसर है 46। पुस्तक श्री गुरु गोविंद सिंह जी की रामायण के लेखक कौन है? सही आंसर है बलजीत कौर तुलसी। बलजीत कौर तुलसी श्री गुरु गोविंद सिंह जी की रामायण पुस्तक के लेखक हैं। गेम्स 24/7 के नए सलाहकार कौन होंगे? तो दोस्तों घोषणा की गई है एलेक्स रोएटर के नाम की, गेम्स 24/7 के नए सलाहकार के रूप में। कोपा अमेरिका कप 2021 किसने जीता है? दोस्तों कोपा अमेरिका कप 2021 की विजेता टीम है अर्जेंटीना। ट्विटर इंडिया ने भारत का रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर किसे नियुक्त किया है? सही आंसर है विनय प्रकाश को। विनय प्रकाश को ट्विटर इंडिया ने भारत का रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त किया है। भौगोलिक पहचान यानी कि जीआई टैग प्रमाणित फाजिल आम किस्म की एक खेप किस देश को निर्यात की गई? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका बहरीन। याद रखिएगा बहरीन देश को जीआई टैग प्रमाणित फाजिल आम की एक किस्म निर्यात की गई है। एकल विंबलडन खिताब जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई महिला कौन बन गई? तो दोस्तों इनका नाम है एस्ले वार्टी। याद रखिएगा एस्ले वार्टी 41 वर्षों में एकल विंबलडन खिताब जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई महिला बनी। जुलाई 2021 को बेल्लोर किले में सिपाही संघर्ष की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? राइट आंसर इसका 215वीं। 10 जुलाई 2021 को बेल्लोर किले में सिपाही संघर्ष की 215वीं वर्षगांठ मनाई गई। 1806 में 10 जुलाई को भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश राज का विरोध किया था और उनसे भिड़ गए थे। जवाबी कार्रवाई में कुछ ब्रिटिश सैनिक और 900 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। किसने नामो ऐप अभियान शुरू किया है? सही आंसर है दिल्ली भाजपा प्रमुख आदेश गुप्ता ने। लोगों तक व्यापक पहुंच के लिए नामो ऐप अभियान शुरू किया गया है, जो अपनी परेशानियों एवं समस्याओं को सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना चाहते हैं। शुरुआत में इस ऐप के जरिए 10 लाख लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया। किसने 12 जुलाई 2021 को राष्ट्र के लिए अपनी शानदार सेवा के 167 वर्ष का जश्न मनाया है? सही आंसर है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने। किसने टेरेस गार्डन मिडडे टोटा पुस्तक का विमोचन किया है? सही आंसर है हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। किस राज्य ने आदिवासी व अन्य स्वदेशी समुदाय के लोगों की संस्कृति और प्रथाओं की रक्षा के लिए एक नया विभाग बनाने का फैसला किया है? राइट आंसर है इसका असम राज्य सरकार ने। कौन दिल्ली विश्वविद्यालय में एक बगबंधु पीठ स्थापित करेगा? सही आंसर रहेगा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। दोस्तों
यह पीठ बांग्लादेश में विकास की बेहतर समझ पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो भारत के सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसियों में से एक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम है द इम्पैक्ट ऑफ द COVID-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। फर्टिलिटी दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। विंबलडन चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है नोवाक जोकोविच। दोस्तों ये छठा मौका था जब जोकोविच ने विंबलडन मेंस का सिंगल खिताब जीता है। भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर है उत्तराखंड। दोस्तों है क्या ये क्रिप्टो गेमिंग गार्डन? तो उत्तराखंड के देहरादून जिले में लाइकेन, फर्न और कवक की लगभग 50 प्रजातियों की आवास वाले भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन किया गया। क्रिप्टो गेमिंग का अर्थ है छिपा हुआ प्रजनन। क्रिप्टो गेमिंग का मतलब क्या है? छिपा हुआ प्रजनन, अर्थात कोई बीज नहीं, कोई फूल पैदा नहीं होता है इसमें। वे गैर बीज वाले पौधे होते हैं, जैसे कि सैवाल, ब्रायोफाइट्स, लाइकेन, फर्न, कवक क्रिप्टो गेम के प्रसिद्ध समूह हैं। भारत के पहले निजी LNG यानी कि तरलीकृत प्राकृतिक गैस लिक्विड, दोस्तों तरलीकृत यानी कि लिक्विड नेचुरल गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो दोस्तों इसका उद्घाटन हुआ है नागपुर में। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में भारत के पहले निजी LNG सुविधा संयंत्र की का उद्घाटन किया है। यह संयंत्र आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माताओं बैद्यनाथ आयुर्वेद समूह द्वारा नागपुर जबलपुर राजमार्ग के पास कैंपटी रोड पर स्थापित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाने को की घोषणा की है? सही आंसर है 12 जुलाई को। हाल ही में PK वॉरियर का निधन हो गया, वे कौन थे? राइट आंसर है आयुर्वेदाचार्य। कौन थे दोस्तों ये? आयुर्वेदाचार्य। किसे कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है सैयद उस्मान अजहर मखसूसी। हैदराबाद के हंगर कार्यकर्ता हैं दोस्तों ये, जो अपने भोजन अभियान हंगर हैज नो रिलीजियन के हिस्से के रूप में हर दिन हजारों लोगों को खाना खिलाते हैं, और इन्हें UK के एक शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जिसका नाम है कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड। किस देश के ऑलराउंडर महमूदुल्ला ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? सही आंसर है बांग्लादेश। विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियन का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये भारतीय अमेरिकी हैं और इनका नाम है समीर बैनर्जी। याद रखिएगा, समीर बैनर्जी ने विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप का खिताब जीता। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली तीसरी भारतीय अमेरिकी महिला कौन बनी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, चर्चित महिलाओं से भी ये क्वेश्चन टॉपिक से पूछा जा सकता है। तो इनका नाम है सिरिसा बंदला, सिरिसा बंदाला। याद रखिएगा दोस्तों, वे कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली तीसरी भारतीय मूल की महिला बनी हैं। किसे जून माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों इनका नाम है डोहेन कॉनवे। याद रखिएगा, ये न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज हैं। कौन सी राज्य सरकार फरवरी 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन करने की इन्होंने घोषणा की है? तो राइट आंसर है दोस्तों हरियाणा। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन कह रहा है कौन सी राज्य सरकार फरवरी 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन करेगी? तो इसका आंसर है हरियाणा। अब सुनिए, हरियाणा सरकार ने नवंबर दिसंबर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को आयोजित करने से पहले ये निर्णय को स्थगित कर दिया है। अब इसे, याद रखिएगा, पहले से स्थगित किया गया और अब इसे फरवरी 2022 में स्पोर्ट्स शो आयोजित करने का निर्णय लिया है। यानी कि पहले हरियाणा सरकार ने इसको स्थगित किया था क्योंकि ये नवंबर दिसंबर 2021 में खेला जाना था, लेकिन अब इसका आयोजन कब होगा 2022 में। यूरोपियन चैंपियनशिप फाइनल 2020 किसने जीता है? राइट आंसर है इटली ने। यूरोपियन चैंपियनशिप फाइनल में इंग्लैंड और इटली का आमना सामना हुआ, जिसमें इटली
ने यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप यानी कि यूरो 2020, इसे यूरो भी यूरो कप भी कहते हैं दोस्तों, यूरो कप 2000 यूरो 2020 का खिताब जीता है। किसने 2021 के बहरीन केरलिया समाजम के साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है, इनका नाम है ओम चेरी एन एन पिल्लई, पत्रकार और नाटककार हैं दोस्तों ये, जिन्हें 2021 के बहरीन केरलिया समाजम के साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। बुक द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द एमरजेंसी किसने लिखी है, तो दोस्तों इस किताब के राइटर हैं अशोक चक्रवर्ती। किसने यूरो 2020 गोल्डन बूट जीता है, राइट आंसर है दोस्तों पुर्तगाल के कप्तान और आधुनिक समय के महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। किसने आलू के रोग का पता लगाने के लिए एक ऐप विकसित किया है, तो सही आंसर है आईआईटी मंडी, आईआईटी मंडी के वैज्ञानिकों ने आलू की फसल में पत्तियों की तस्वीरों का उपयोग करके रोग का पता लगाने के लिए एक स्वचालित स्मार्टफोन विकसित किया है। द आर्ट ऑफ कंजरिंग अल्टरनेट रियलिटीज, द आर्ट ऑफ कंजरिंग अल्टरनेट रियलिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक को दो लोगों ने मिलकर लिखा है, इनके नाम है शिवम शंकर सिंह और आनंद वेंकट नारायण। इम्पोर्टेंट नाम है दोस्तों, जुलाई 2021 में यशपाल शर्मा, याद रखिएगा इम्पोर्टेंट नाम है यशपाल शर्मा का निधन हुआ, वे कौन थे, तो ये थे पूर्व भारतीय क्रिकेटर। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, तो भारत की 1983 विश्व कप जीत में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। वार्षिक आशा द बोनालू उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ, राइट आंसर है तेलंगाना। भक्तों ने यहां ऐतिहासिक गोलकुंडा किले के ऊपर स्थित जगदम्बा मंदिर के दर्शन किए हैं। बोनालू त्योहार आमतौर पर हिंदू कैलेंडर माह आषाढ़ के दौरान मनाया जाता है जो जुलाई और अगस्त में पड़ता है। कौन सा देश 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, सही आंसर है भारत। दोस्तों याद रखिएगा भारत 2026 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पटना, और याद रखिएगा इसकी पहले भी यानी कि 2020 में भी इसकी घोषणा की गई थी, और दोबारा ये क्वेश्चन फिर से सुर्खियों में आया है कि भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित होगा, तो ये होगा पटना में। भारत का और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना विश्वविद्यालय के परिसर में गंगा तट पर बनेगा, याद रखिएगा गंगा की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जानवर है। ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय जज कौन बने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है ये, इनका नाम है दीपक कावरा। दीपक कावरा ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने वाले पहले भारतीय बने हैं। भारतीय नौसेना ने किस कंपनी से 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान जिसका नाम है P-81 प्राप्त किया है, राइट आंसर है बोइंग। कौन पांचवी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं, सही आंसर है शेर बहादुर देउबा, याद रखिएगा शेर बहादुर देउबा नेपाल के पांचवी बार प्रधानमंत्री बने हैं। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया और यहाँ की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। जुलाई 2021 में पॉल ऑर्नेडॉर्फ का निधन हो गया, वे कौन थे, तो दोस्तों पॉल ऑर्नेडॉर्फ ये एक अमेरिकी पहलवान थे। इन्हें 2005 में WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। किसने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में एक शोध आधारित उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अमित शाह जी ने। भारत ने किस देश में भीम UPI सेवाएं शुरू की हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो राइट आंसर है भूटान, भारत ने भूटान देश में भीम UPI सेवाएं शुरू की हैं। द ग्रेट बिंग लायन नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो दोस्तों राइटर का नाम है क्रिसिस नाइट। यह किताब एक शेर और उसके दो बच्चों की कहानी पर आधारित है। कौन गुजरात के रण ऑफ कच्छ में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करेगा, तो इसकी घोषणा की है NTPC लिमिटेड ने। गुजरात के रण ऑफ कच्छ में 4.75 गीगावाट का भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित किया जाएगा, वहां यह व्यावसायिक स्तर पर हरित हाइड्रोजन भी उत्पन्न करेगा। कौन T20 में 14,000 रन का आंकड़ा
पार करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तो नाम है दोस्तों उनका क्रिस गेल। याद रखिएगा ये वेस्ट इंडीज देश से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। और इन्होंने 14,000 रनों का T20 में आंकड़ा पार किया है। किसने दुनिया के पहले कार्बन सीमा कर का प्रस्ताव रखा है? राइट आंसर है यूरोपीय आयोग। यूरोपीय आयोग ने अपने नए जलवायु लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम के हिस्से के रूप में स्टील, सीमेंट, उर्वरक और एल्यूमिनियम सहित कार्बन गहन वस्तुओं के आयात पर दुनिया के पहले कार्बन सीमा कर की योजना को सामने रखा है। किसने टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे लॉन्च किया? राइट आंसर है संगीतकार A.R. रहमान। याद रखिएगा गायिका अनन्या बिरला ने इसे गाया है। जुलाई 2021 में किसे राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है पीयूष गोयल जी को। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला ग्रेन ATM कहां स्थापित किया गया है? सही आंसर है गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला ग्रेन ATM स्थापित किया गया। यह एक स्वचालित मशीन है जो बैंक की ATM की तरह काम करती है। इस मशीन को संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत स्थापित किया गया है। दोस्तों यह स्वचालित मशीन टच स्क्रीन के साथ बायोमेट्रिक सिस्टम से लैस है जो लाभार्थियों को आधार या राशन कार्ड यूनिक नंबर दर्ज यहां पर करना होगा, जिसके जरिए मशीन के नीचे से उन्हें थैलों में स्वतः ही राशन भर दिया जाएगा। किसने खुदरा निवेशकों के लिए RBI रिटेल डायरेक्ट योजना शुरू की है? राइट आंसर है RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास और इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। स्थापना की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई। विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम रहा री इमेजिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। दोस्तों यह दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 जुलाई 2021 को इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर है कर्नाटक। त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? राइट आंसर है सत्यदेव नारायण। सत्यदेव नारायण जी ने त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुकिंग कोल पर सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौते को मंजूरी दी है? राइट आंसर है रूस। 14 वनडे शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है बाबर आजम। दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ये कप्तान हैं बाबर आजम। मंडुआ डीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? राइट आंसर है बनारस। दोस्तों याद रखिएगा पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा मंडुआ डी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर आखिरकार बनारस कर दिया गया। इस क्वेश्चन को हम पहले भी कवर कर चुके थे जहां इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन अब इसका नाम बदलकर बनारस कर दिया गया है। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मों में से एक का अनावरण किया है? राइट आंसर है सिंगापुर। यह परियोजना देश द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिए 2025 तक अपने सौर ऊर्जा उत्पादन को चौगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने के प्रयास का एक हिस्सा है। जुलाई 2021 में सुरेखा सिकरी का निधन हुआ, वे कौन थीं? राइट आंसर है इसका दोस्तों अभिनेत्री। इंपॉर्टेंट नाम है ये। 3 बार की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता थी सुरेखा सिकरी। और याद रखिएगा अब आपसे इन्हें पहचानेंगे कैसे, तो बालिका बधु जो कि एक डेली शो था दोस्तों, बालिका बधु में इन्होंने दादी का किरदार निभाया था। किसने वाराणसी में रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया है? सही आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। यह केंद्र सम्मेलनों के लिए एक आकर्षक गंतव्य स्थान बन जाएगा तथा शहर में पर्यटक और व्यापारियों को आकर्षित करेगा। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन का जुलाई 2021 में निधन हो गया? तो दोस्तों ममनून हुसैन ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे। किसे आधिकारिक तौर पर दुबई गोल्डन वीजा दिया गया है? राइट आंसर है सानिया मिर्जा को। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, संजय दत्त के बाद सानिया मिर्जा यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाली तीसरी भारतीय हस्ती बन गई हैं। किसने नई दिल्ली में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन लॉन्च की है? सही आंसर है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। इसे IIT कानपुर की मदद से विकसित किया गया है। यह सरकार में शिकायत निवारण में सुधार के लिए विकसित की गई पहली AI
आधारित प्रणाली है, याद रखिएगा, पहली एआई आधारित प्रणाली है। यह सरकार में शिकायत निवारण में सुधार के लिए विकसित की गई पहली एआई यानी कि आर्टिफिशियल आधारित प्रणाली है। किसने हरियाणा के 18वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो इनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा स्थानांतरित होने से पहले भी हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। किसने राष्ट्रव्यापी अभियान कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम शुरू किया है? तो इनका नाम है अर्जुन मुंडा, जो कि हमारे वर्तमान जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। इसका लक्ष्य 50 लाख से अधिक आदिवासियों को जोड़ने का है, और उन्होंने यह भी बताया कि कोविड टीकाकरण मुफ्त है और आसपास के केंद्रों में उपलब्ध है। किसने किसान सारथी नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सही आंसर है दोस्तों, कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। किसानों को उनकी वंचित भाषा में सही समय पर सही जानकारी के लिए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। किस राज्य ने जुलाई 2021 में गर्भवती महिलाओं के लिए मातृ कवचम अभियान की शुरुआत की है? राइट आंसर है केरल। गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण हेतु विभिन्न सरकारी अस्पतालों में स्पॉट पंजीकरण किया जाएगा। गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था के दौरान किसी भी समय कोविड वैक्सीन प्राप्त कर सकती हैं। जुलाई 2021 में किस राज्य ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 को लॉन्च किया है? सही आंसर है महाराष्ट्र। नीति का उद्देश्य देश में बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना है। किसे ओडिशा क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो आंसर है भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर को। किस देश ने वेनिस लैगून से क्रूज जहाजों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर है इटली। इटली देश ने वेनिस लैगून से क्रूज जहाजों पर प्रतिबंध लगाया है। 16 जुलाई 2021 को विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? राइट आंसर है 50वीं। कौन सी दोस्तों? 50वीं। किसने उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेकन के लेखक हैं? तो दोस्तों इस बुक के लेखक हैं जे एस इफ्तेखार। क्या नाम है इनका? जे एस इफ्तेखार। किस राज्य ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। ओलंपिक 2021 में भाग लेने वाले सभी लोगों को 10-10 लाख रुपए की घोषणा की गई। स्वर्ण पदक विजेताओं को 6 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेताओं को 4 करोड़ और कांस्य पदक विजेताओं को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। कौन इसराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? राइट आंसर इसका संयुक्त अरब अमीरात। किस देश ने विश्व के पहले वाणिज्यिक मॉड्यूलर लघु रिएक्टर लिंग लॉन्ग वन का निर्माण शुरू कर दिया है? सही आंसर है दोस्तों इसका चीन। बहुउद्देशीय लघु मॉड्यूलर रिएक्टर लिंग लॉन्ग वन, जिसे ACP-100 भी कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट से किसे श्रम विभाग के सॉलिसिटर के रूप में पुष्टि की गई है? सही आंसर है इसका सीमा नंदा। किसने सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार शपथ ली है? राइट आंसर है असर, सॉरी दोस्तों, बसर अल असद, बसर अल असद। किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को शुरू करने की घोषणा की है? राइट आंसर है राजस्थान। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक किसान परिवार को सरकार की ओर से बिजली बिल में 1,000 रुपए प्रति माह का अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान किसानों को सीधे बैंक खाते में प्राप्त होगा। हरेला उत्सव किस राज्य में मनाया गया? राइट आंसर है उत्तराखंड में। हरेला को मानसून के शुरुआत में मनाया जाता है और इसे पूरे कुमाऊं क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 रेस को जीता है? राइट आंसर है मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने। कौन टोक्यो खेलों में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार प्राप्त करेंगे? तो दोस्तों मोहम्मद यूनिस, जो कि बांग्लादेश नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं, इनके नाम की घोषणा की गई कि इन्हें ओलंपिक लॉरेल प्राप्त होगा और उन्हें दूसरी बार इस ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। भारत का पहला भिक्षु फल यानी कि इसको बोलते हैं मोंक फ्रूट उत्पादन अभ्यास कहाँ शुरू होगा? राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, चीन से भिक्षु फल, जो एक गैर कैलोरी प्राकृतिक स्वीटनर के रूप में अपने गुणों के लिए जाना जाता है,
उसका उत्पादन हिमाचल प्रदेश में शुरू किया जाएगा। उसका उत्पादन हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है, शुरू किया गया है। किसने द इंडिया स्टोरी शीर्षक से एक नई पुस्तक को लिखा है? आंसर है बिमल जालन। दोस्तों कौन है बिमल जालन? तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं बिमल जालन। कौन सा राज्य एक ब्लॉक एक उत्पादन योजना शुरू करेगा? तो इसकी घोषणा की गई है हरियाणा राज्य सरकार द्वारा। इस योजना के तहत राज्य सरकार राज्य के हर ब्लॉक को किसी न किसी औद्योगिक दृष्टि से जोड़ने की योजना बना रहा है और सरकार इस योजना पर तेजी से काम कर रही है। किसने 74वें कांस फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए OIL D'OR यानी कि गोल्डन आई पुरस्कार जीता है? तो आंसर है दोस्तों ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। निर्देशक पायल कपाड़िया की मूवी है दोस्तों ये ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। 6000 वनडे रन तक पहुंचने वाले सबसे तेज भारतीय ओपनर कौन बने हैं? तो इनका नाम है शिखर धवन। शिखर धवन 6000 वनडे रनों तक सबसे तेज पहुंचने वाले ओपनर बन गए हैं। किस देश ने 319 टेराबाइट प्रति सेकंड पर विश्व की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का नया रिकॉर्ड बनाया? राइट आंसर है जापान। 28 वर्षों में कांस फिल्म फेस्टिवल के पाल्मे डी ओर को जीतने वाली पहली महिला निर्देशक, यहां बात हो रही है पहली महिला निर्देशक कौन बनी है? तो इनका नाम है जूलिया डू कोर्नी। दोस्तों टाइटन फिल्म की फ्रांसीसी निर्देशक जूलिया डू कोर्नी 28 वर्षों में कांस फिल्म फेस्टिवल के पाल्मे डी ओर को जीतने वाली पहली महिला निर्देशक बन गई हैं। याद रखिएगा न्यूजीलैंड की जेन कैंपियन 1993 में द पियानो के लिए पाल्मे डी ओर जीतने वाली पहली महिला थी, लेकिन ये कौन है? ये महिला निर्देशक हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के किस नेता ने तीसरे कार्यकाल के लिए राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली है? तो इनका नाम है पीवी अब्दुल बहाव। 15 जुलाई 2021 में विज मार्की का निधन हो गया, वे कौन थे? तो दोस्तों ये एक रैपर थे और उन्हें द क्लाउन प्रिंस ऑफ हिप हॉप के नाम से भी जाना जाता था। मेघालय में 17 जुलाई 2021 को किस खासी स्वतंत्रता सेनानी की 186वीं पुण्यतिथि मनाई गई? तो इनका नाम है यू तिरोथ सिंह सियाम। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है दोस्तों, इस क्वेश्चन को एग्जामिनर स्टैटिक में बदल कर पूछता है कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। करंट अफेयर से भी है और इस साल मनाया गया है इसे 18 जुलाई को। दोस्तों ये प्रतिवर्ष 18 जुलाई को मनाया जाता है। किसे मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों इस पुरस्कार के लिए घोषणा की गई है शिवाजी बैनर्जी। भारत के पूर्व और मोहन बागान के शॉर्ट स्टॉपर शिवाजी बैनर्जी को, जिन्होंने 1977 में एक प्रदर्शनी मैच में ब्राजील के महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले को गोल करने से मना किया था, याद रखिएगा इनका नाम है शिवाजी बैनर्जी। किसने टेरा फिन लैब्स का अधिग्रहण किया है? सही आंसर है रेजर पे ने। किसने स्पार्कसन ट्रॉफी जीती है? राइट आंसर है विश्वनाथ आनंद ने। बालिका पंचायत का सफल आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर है गुजरात में। गुजरात में कच्छ जिले का कुनरिया गांव बालिका पंचायत आयोजित करने वाला एक अनूठा विचार लेकर आया है। इस बालिका पंचायत का पहला चुनाव सफलतापूर्वक रहा। इसका उद्देश्य क्या है? भविष्य में पंचायत चुनाव के लिए लड़कियों में नेतृत्व गुण विकसित करना। किसने हज में भाग लेने वाले महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है? राइट आंसर है सऊदी अरब। जुलाई 2021 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? राइट आंसर है नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने अपने बोर्ड में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर है बनीता नारायण। किसने एक लाभकारी आधारित स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी आरोग्य रक्षक पेश की है? राइट आंसर है LIC ने यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर किस भाजपा नेता की पुस्तक RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा की का
चीनी भाषा में अनुवाद किया गया है। तो दोस्तों इनका नाम है सुधांशु मित्तल। किसने मिजोरम के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? राइट आंसर है डॉक्टर कंभम पति हरी बाबू। इन्होंने पी एस श्रीधरन पिल्लई को रिप्लेस किया है। और दोस्तों सिर्फ पी एस श्रीधरन पिल्लई जिन्हें गोवा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय वायुसेना के सारंग हेलीकॉप्टर प्रदर्शन टीम ने कहां MAKS 2021 एयर शो में प्रदर्शन किया है? राइट आंसर है मॉस्को में। किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन परियोजना नामक एक पहल की शुरुआत की है? राइट आंसर है केरल पुलिस ने सार्वजनिक निजी और डिजिटल स्थानों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन परियोजना नामक एक नई पहल शुरू की है। परियोजना के लिए बुलेट बाइक और 220 साइकिल सहित 10 कार 40 दोपहिया वाहन आवंटित किए गए हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।